वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम जॉन कीट्स की पोइम और टू अटिंग को डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स इज़ वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स और इनकी डेथ जो है वो काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव डी टू ट्यूबर की लॉसिस विच इज़ देयर फैमिली डिजीज़ इसके अलावा इनकी पोइट्री को जो है वो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और इतनी पॉपुलर या इतना फेम इनको अपनी जिंदगी में नहीं मिला और ये भी कहा जाता है कि क्रिटिक्स की बहुत हार्श रिमार्क से एंड कीट्स टुक देम टू हिज हार्ट और इसकी वजह से भी जो है वो इनकी डेथ हो गई बट मोस्टली ये रीज़न बताई जाती है कि ट्यूबल क्लॉसेज की वजह से इनकी डेथ हुई सो एनीस इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट ही सेज माई हार्ट इच इज एंड अ ड्रॉक्स इन नम्लिस पेंस माई सेंस एज दोमलोक आईड ड्रंक और एम डल ऑपिएट टू द ट्रेंस वन विंट पास्ट एंड लीथ वर्ड्स हेड संग वो कहते हैं कि मेरा दिल दुखता है और ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपनी हवास जो है वो खो दी हो नमनस वो चीज़ होती है जिसमें आपको कोई भी चीज़ या कुछ भी फी फील नहीं हो रहा होता जैसा कि एस ऑफ हेमलोक आ ड्रंक जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो जो कि जहर है जो सोक्रेटिस को दिया गया था या जो ग्रीक में प्रिजनर्स होते थे उन्हें ये जहर दिया जाता था फिर वो क्या कहते हैं ओपियट ड्रग है जो कि हम ओपियम से लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने वो नशा कर लिया है या फिर मैंने लीथ लीज का पानी पी लिए अब लीथ क्या है आपको कीट्स की पोइट्री में जो है वो बहुत से रेफरेंस मिलेंगे टू ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी और, और लीज भी क्या है ग्रीक रिवर था आ, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसका पानी पी लें तो आपकी यदाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है या जो भी आपको याद हो अब तक वो सारा ख़त्म हो जाता है अब यहाँ पे हम देखें तो बहुत ही मिलंकलिक सी टोन है और आ, सैडनेस है और हमें ये नहीं पता कि कीट्स जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बट यहाँ से उसका डायलॉग जो है या उसकी बात स्टार्ट होती है अबाउट नाइटिंग इल एंड सेज दिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड बट बींग टू हैप्पी इन दाइ इन हैप्पीनेस वो कहते हैं कि ये नहीं बात कि मैं तुम्हारी खुशी में जेलस फील कर रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ सो so, इसमें पैराडॉक्स ये है कि बाज़ात आपका प्लेयर इतना इंटेंस या इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है या उस लेवल पे चला जाता है वेयर इट नर्म्स यू इट स्टार्ट टू गिव यू पेन तो किड्स भी जो है वो इस तरह से कुछ फील कर रहा है दैट द लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन द मिलट प्लॉट ऑफ बीच इन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोट इट ईज ड्राइड अगेन इट्स में रेफरेंस है टू द माईथोलॉजी जो कि ट्री निम्स होती है या ट्री स्पिरड कह रहे हैं वो कहते हैं कि इस तरह लग रहा है कि तुम uh, वो ड्राइड हो वो स्पिरिट हो जिसके बहुत हल्के से पढ़ हैं और तुम किसी आ, ग्रीन प्लॉट में हो जहाँ पे बहुत सब्जा है एंड शेडोज नंबरलेस इससे हमें बहुत रिच इमेजरी है इस्टेंसा इस, में और कहते हैं कि शेडोज नंबरलेस यानी नाइटिंग जो है वो किसी फॉरेस्ट में है और वहाँ पे ट्रीज़ जो दरख्तों की सॉरी दरख्त और बेल होती है पौधों की और वहाँ पर उसके जो पत्ते हैं उसके शेडोज़ हैं तो बहुत ही डेंस एरिया है जहाँ पर काफ़ी घनी जगह है तुम तो वहाँ पर बैठ के अपना गाना गा रही हो और किस चीज़ के बारे में सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईस्ट अब वो बहुत खुशी से गाना गा रही है और वो किस वजह से खुशी है क्योंकि समर जो है वो आने वाला है अब जॉन कीट्स जो हैं वो इंग्लिश पोइट्स है और वहाँ पर काफ़ी सर्दी होती है तो वहाँ पर जब समर आते आ, समर का सीजन आता है तो वो इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर नाइटिंग भी क्या है उस चीज़ के बारे में बहुत खुश है और वो गाना गा रही है नेक्स्ट सेंटेंसर uh, है ओ फॉर अ डॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्ड अर्थ विंटेज कहते हैं शराब को वो कहते हैं कि मुझे उस शराब का एक घूट मिल जाए जो कि ज़मीन में बहुत अरसे से जो है वो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ हो क्योंकि शराब जो है वो जितनी पुरानी हो जाती है उसका टेस्ट या वो उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे उस पुरानी शराब का जो है वो एक घूट मिल जाए टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डेंस एंड प्रोवेंशल सॉन्ग एंड सन बर्न मर्थ अब यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि कीड्स की पोइट्री में ही यूजिस पेंटा सेंसेस जिसमें सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ साइट सारी सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और यहाँ पे सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो प्रेवलेंट है वो कहते हैं कि वो जो शराब है उसमें वो फूलों और पौधों का जो है वो टेस्ट होता है या वो जायका होता है वो खुशबू होती प्रोवेंसल यहाँ पे फ्रांस में देर इज़ एन एरिया जो कि साउथ ऑफ फ्रांस में वाक़ है तो वो कहते हैं कि वहाँ का डांस और सॉन्ग जो है उससे क्या है प्लेयर मिलता और वहाँ पे जो डांस वगैरह या जो आ, होते हैं सॉन्ग्स वगैरह वर प्लेड आउटडोर तो वहाँ पे जब सूरज की रोशनी में आ, ये डांस या सॉन्ग जो है वो प्ले किया जाता तो उससे उसका जो मज़ा है वो और जो है वो दुबाला हो जाता और इससे क्या है कि उस डांस और उस सॉन्ग से गीट्स को क्या है वो प्लेयर मिलते हैं ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन तो कहते हैं कि मुझे ऐसी शराब का एक बीकर या एक जग मिल जाता जो मुझे वार्म साउथ अगेन फ्रांस के उन एरियाज़ की तरफ वो कह रहे है कि जहाँ पे वो गर्मी जो है वो वहाँ पे होती है और मैं उसको महसूस कर सकता उससे प्लेयर ले सकता फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुलपोक्रीन हिपोक्रीन अगेन इज़ आ रेफरेंस टू ग्रीक माइथोलॉजी और ये वो एक चश्मा है जिसका पानी पीने से आपको पोइटिक यू गेट पोइटिक इंस्पिरेशन आप अच्छी पोट्री जो है वो उसको लिख सकते हैं तो कहते हैं कि मुझे उसका पानी मिल जाता या वो शराब मिल जाती जिससे मैं वो प्लेयर जो है वो हासिल कर सकता मैं अच्छी पोट्री लिख पाता और उन वार्म एरियाज़ का जो प्लेयर है वो फील कर पाता विद बीडिड बबल्स यहाँ पे एलिट्रेशन है बीडिड बबल्स एट द ब्रेम एंड पर्पल स्टेन माउथ दैट आई माइट ड्रिंक तो कहते हैं कि अगर आप, आप कोई मिट्टी का बर्तन हो और उसके ऊपर उसके जो किनारे होते हैं या उसका जो मुंह होता है खुला वहाँ पे बबल्स बन रहे होते हैं तो कहते हैं कि उसके वहाँ पे बबल्स बन रहे हों उस किनारों पे एंड पर्पल स्टेन माउथ ऐट आई माई ड्रिंक और जब मैं उसे पीता तो मेरे मुंह पे जो है वो उसका पर्पल कलर जो है वो आ जाता एंड लीव द वर्ल्ड अनसिन एंड विद दी फेड अवे इन टू द फॉरेस्ट डिम अब दी यहाँ पर नाइटिंगल को कह रहे हैं वो कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ देता और तुम्हारे साथ जंगल में गुम हो जाता और ये स्टेंसा इट्स वेरी ब्यूटीफुल इसमें सेंस ऑफ टच भी है सॉरी सेंस ऑफ टेस्ट सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ साउंड ये सारी इन्वॉल्व है टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है डांस सेंस ऑफ साइड एंड सॉन्ग तो सेंस ऑफ साउंड जो है वो इसमें इन्वॉल्व है तो so, उसमें इसमें, इसमें पोइट्री uh, की पोइट्री में पेंटा सेंसेज सेंस ऑफ साइट स्मेल टेस्ट टच वगैरह ये सारी इन्वॉल्व होती हैं विच मेक्स इस पोट्री वेरी ब्यूटीफुल और वो आ, चाहता है कि वो अल्कोहल या वो जो वाइन पी के अपने आप को एक बर्ड की तरह फ्री महसूस करे ताकि वो इस सिर्फ इस दुनिया में जो है वो एक कैद महसूस न करे बल्कि ही वॉन्ट्स टू सेट हिज सॉल्व फ्री और वो जिस तरह ना नाइटिंग फ्री है वो भी उस बर्ड की तरह जो है वह उस आज़ादी को या उस फ्रीडम को जो है वो महसूस कर सके

बीमारियाँ परेशानियाँ तकलीफ हैं और जहाँ पे आदमी बैठते हैं और आपस में एक दूसरों को अपने मसले सुनाते हैं या अपनी तकलीफ तकलीफ के बारे में जो है वो बताते हैं तो ही वॉन्ट टू फॉरगेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट इस वेर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज वेर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो एंड लीड एंड आई दिस Uh, पलसी जो है यहाँ पे बीमारी है तो कहते हैं कि वो इंसान का जो जवानी है उसको ख़त्म कर देती है लास्ट ब्रे हेयर्स और वो जो बाल काले बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं और यहाँ पे जवानी जो है वो बिल्कुल uh, ख़त्म हो जाती है इंसान जो है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है एंड ही डाइस सो हेयर कीट्स इज टॉकिंग अबाउट मोरटेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो कि इवेंचुअली uh, ख़त्म हो जाती है एंड इट डजेंट लास्ट फॉर एवर जहाँ पे आपको सोचते ही फुल ऑफ सोडो आप जो है वो गमगीन हो जाते हैं एंड लेड इन आई डिस्पियर्स और मायूस हो जाते हैं यानी आप जब भी मुश्किल या मसाइल के बारे में सोचते हैं तो आपको वो चीज़ तकलीफ देती है आप गमगीन हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं फिर ब्यूटी के नॉट कीप हर लस्चस आइज और न्यू लव पाइन एट बियड टू मोरो जहाँ पर खूबसूरती जो है वो अपनी चमकदार आंखें नहीं रख सकती अब यहाँ परसोनीफिकेशन है क्योंकि ब्यूटी कैन नॉट कीप अ लस्टर्स आइज ब्यूटी की कोई आइज़ नहीं होती बट कीट्स जो है वो उसको परसोनीफाई कर रहे हैं उसे ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो दे रहे हैं और न्यू लव पाइन एट टेम्प बियॉन्ड टुमोरो और जहाँ पे लव भी जो है वो एक दिन से ज़्यादा जो है वो ज्यादा uh, बाकी नहीं रहता अब मोस्टली ये कहा जाता है कि लव इज़ इमोटल बट कीड्स इज के लव भी जो है वो इट इवेंचुअली डाइज लवर्स डाए एंड सो द लव ऑल्सो कम्स टू एन एंड सो देर इज़ क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑफ द पोइट एंड द वर्ड ऑफ द बर्ड क्योंकि नाइटिंगल जो है वो बहुत खुशी से अपना गाना गा रही है और अपने आप में मगन है उससे कोई तकलीफ नहीं है कोई सोरस नहीं है बट इंसान की दुनिया में वो बहुत से काम हैं मुश्किल हैं मसाइल हैं मिजरीज हैं तो किट्स है वो उस बारे में बात कर रहे हैं और इसमें जो एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो मे बी ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ऑल हिज़ ऑन इन्नेस क्योंकि उससे भी जो है वो बहुत सी बीमारियों ट्यूबर क्लोस्टिस से उसकी डेथ हुई तो उसको भी जो है वो इस बीमारी से सफ़र करना पड़ा अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरियटेड बाई बेकिस एंड हिज पार्ट्स तो वो कहता है कि मैं बहुत दूर uh, तुम्हारे साथ जाऊँगा एंड नॉट चैरियट बाई बेकिस एंड हिज पार्ट्स बेचिज अगेन देर इज़ अ रेफरेंस टू ग्रीक माइथोलॉजी ही इज़ अ गॉड ऑफ वाइन एंड हज फॉलोवर्स वो कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा बहुत दूर बट ऑन दियू लेस विंग्स ऑफ पोइजी पोइजी मीन्स पोइट्री दो द डल ब्रेन परफ्लेक्सिस एंड रिटार्स अब किड्स जो है यहाँ पर अपना आइडिया uh, या uh, अपनी बात को चेंज कर लेते हैं वो कहते हैं कि मैं वाइन के थ्रू नहीं जाऊँगा बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइसी बल्कि पोएट्री के थ्रू जो है आई विलीव दिस वर्ड सो अगेन यहाँ पर भी परसोनिफिकेशन uh, है क्योंकि पोइट्री के कोई विंग्स नहीं होते बट वो कहते हैं कि तुम्हारे अपने विंग्स हैं एंड आई विल फ्लाई विद द विंग्स ऑफ पोएट्री तो मैं पोइट्री के थ्रू जो है वो uh, तुम्हारी दुनिया में फ्लाई करूँगा दो द डल ब्रेन परप्लेक्सिस एंड रिटार्ड्स अगर अगरचे मेरा दिमाग जो है वो बहुत डल है और मुझे परेशान करता है और रोकता है ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट एंड हैपी द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन सो ही टेक्स अ फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन और वो कहते हैं कि ऑलरेडी विद दी पहले से ही तुम्हारे साथ हूँ टेंडर इज द नाइट और रात जो है वो बहुत सॉफ्ट सी उसमें मून की जो रेज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट सी जो है वो आ, ना रात जो है वो महसूस हो रही है और चाँद जो है वो अपने तख्त पर आ चुके हैं लाइक जब चाँद जो है वो रात को अपने हाइस्ट पॉइंट पे है जिस जगह पे वो होता है पूरी आबोताब से जो है वहाँ पर चमक रहा है क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टारी फेस बट हेयर देर इज़ नो लाइट Same word from heaven is with the breezes blown, though दिन glooms and winding mossy ways. और उसके इर्द क्या है सितारों का झूमट है जिसे वो क्या कह रहे हैं फेरीज बट हेयर देर इज़ नो लाइट बट यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है सिवाय उसके जो आसमान से हवा के साथ बहुत हल्की सी जो रोशनी है वो आ रही है इसमें से थ्रू विंड्रस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोजीवेज जो कि डार्क शेडोज़ दरख्तों के जो डार्क शेडोज हैं उसमें से एंड वाइडिंग मोजी वेज उन टेढ़े मेरे रास्तों पर जिन पर काई जमी हुई है सो so, पहले तो किड्स जो है या पोइट जो है वो चाहता था कि वो अल्कोहल ले और फिर आ, जो है वो सब कुछ भूल के नाइटिंग गेयर के साथ चला जाए बट देन ही डिसाइड्स कि वो अल्कोहल नहीं लेगा बल्कि ही विल यूज़ हीज फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन या ही विल टर्न टू पोइट्री टू फ्लाई अवे विध नाइटिंग गय और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर रोशनी बहुत कम है और कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाए वो हल्की धीमी रोशनी के जो कि दरख्तों के पत्तों में से छन की आ रही है सो so, इसमें बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है और द पोइट इज एक्साइटेड टू फ्लाई अवे विद द नाइटिंग इस पोईम का रिमेनिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मॉर्निंग वीडियोज़